झट बनाइए। जय हिंद सर, शुक्रिया बहुत बहुत। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, धन्यवाद उपसभापति महोदय। काफी विद्वत जनों का उद्बोधन सुनने का सौभाग्य मिला है। मैं वाणिज्य का प्रोफेसर हूँ और इतिहास मैंने बचपन में पढ़ा था। इतिहास में प्रसंग आता है कि युद्ध छिड़ा है महाभारत का और अचानक पांडव के योद्धाओं को लगता है कि एक कौरव के सारे योद्धा कहाँ चले गए, तो उनको कोई सूचना देता है कि वो पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए चक्रव्यूह बनाने गए हैं। आज का वातावरण, मैं किसी की तुलना कौरव और पांडव से नहीं करता हूं, लेकिन इस संसद भवन में मैं आज कांग्रेस विहीन, आम आदमी विहीन, समाजवादी पार्टी विहीन और मुझको लगता है डीएमके भी विहीन, ये मैं परिदृश्य इस राज्यसभा में देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ गए होंगे, मैं तुलना भी नहीं कर रहा हूँ और ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये षड्यंत्र बनाने गए होंगे, लेकिन निश्चित रूप में जहाँ भी होंगे वो अपनी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे या देश में जो घटनाएं हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। नो क्रॉस टॉकिंग। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है और महत्वपूर्ण चर्चा के विषय में विपक्ष का निराशावादी दृष्टिकोण, एक भी व्यक्ति उपस्थित ना रहे, मैं समझता हूँ ये भी चिंता का विषय सदन के लिए जरूर होगा। तमाम बातें कही गई। आज मैं आदरणीय काका श्री खड़गे साहब का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने जिस भावपूर्ण शब्दों में आदरणीय वित्त मंत्री महोदया को उन्होंने माताजी कह के संबोधित किया, तो पीठ ने टिप्पणी करी कि वो आपकी बेटी के समान हैं, माता कैसे हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने सही कहा। माता का जो दायित्व है वो ये है कि वो सबकी घर में चिंता करती है, अपने लिए चिंता नहीं करती, हर बच्चे को उसका यथा स्थान, उसकी उपयोगिता का जो है वो चिंता हो सके, घर के साधन संसाधन को जुटाया जा सके, ये माँ का कर्तव्य होता है। और वित्त मंत्री जी ने पूरे बजट में इन सारी चीज़ों का समाहन किया है और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे बजट आते जा रहे हैं उसमें आर्थिक जो संतुलन है वो अपने आप में बढ़ता जा रहा है। बजट में अगर देखा जाए तो कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए का है, अभी तक नहीं हुआ ऐसा कभी, और सकल प्राप्तियां 25.83 हैं, जबकि वित्तीय घाटा 4.9 पर आ गया है, ये पहले काफी ज्यादा था। और इस बजट के साथ साथ जो संकल्पना की है वित्त मंत्री ने कि अगला जो बजट आएगा उसमें जो वित्तीय घाटा होगा जीडीपी का वो 4.5 होगा, यानी अभी से हमने अगले में जो आय व्यय का संतुलन है उसको स्थापित करने की सोच रखी है। ये एक विजनरी बजट है और विजनरी बजट इसलिए है क्योंकि हम सरकार का जो लक्ष्य घाटे का था वो हमारा लक्ष्य था 4.5% से नीचे लाने का और उसकी तरफ हम तेजी से बढ़े हैं और हमारा लक्ष्य है कि मुद्रा स्फीति कम हो और मुद्रा स्फीति स्थायी हो और 4% के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। और मैं समझता हूं कि इस संरचना में एक दूरगामी सोच का लक्षण दिखाई पड़ता है और इसमें हम देखें, हमने चहुमुखी विकास की तरफ देखा है। ये जो कोर मुद्रा स्फीति है ना, ये 3.1% पर आई है, यानी हमारी जो संभावनाएं, हम केवल भाषण नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज को एक तरीके से आय और व्यय का संतुलन, जिसको हम कहते हैं ट्रेड बैलेंस, को हम फेवर में करने की जो हमने कार्ययोजना को तैयार किया था कि हमारा निर्यात बढ़े, हमारा आयात कम हो, हमारा उत्पादन बढ़े और हमारे उपभोक्ता की मांग का सृजन हो और उपभोक्ता की मांग के सृजन के अनुसार हमारी पूर्ति को हम अपने आप से उसको प्राप्त करते रहे। और इन सारी चीजों में हमने रोजगार को
और 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 5 साल तक रोजगार कौशल को बढ़ाने की जहां बात करी है, वहीं अगर हम देखें तो हमने राजकोषीय घाटा को, मैंने पहले कहा कि हम 4.9% पर लाए हैं। जीडीपी हमारा 10वीं अर्थव्यवस्था से हमारा जीडीपी आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे आया है। ये बार बार बेरोजगारी की बातें आप सब करते हैं, मैं समझता हूँ बेरोजगारी की दर जो है दिन प्रतिदिन कम हो रही है, और पहले ये पिछले वर्ष से अगर पिछले से पिछले वर्ष की तुलना करें तो 2021 में 4.1 थी तो आज ये 3.2 है, और भारत अमेरिका को पिछाड़ रहा है, ब्रिटेन को पिछाड़ रहा है। आज डिजिटल लेन देन 12,000 करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है। ये भारत की बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था का एक सिग्नल है, वो शायद उसकी गूंज किसी को कम सुनाई पड़ती है, लेकिन यहाँ की जनता को पूरी तरह सुनाई पड़ रही है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभूतपूर्व काम हुए हैं। 8,29,409 किलोमीटर का की मंजूरी दी गई थी पहले, और पहली सरकार है जिसने उसमें से 7,63,308 किलोमीटर की जो सड़कों का निर्माण था वो पूरा कर गया। यानी सड़क निर्माण के मामले में जिस प्रकार आज अगर देखा जाए तो जो सरकार थी, जो पिछली सरकार थी, पिछली से पिछली सरकार 2013 और 14 में 25,859 करोड़ का केवल उसमें काम हुआ था। हमारी सरकार में अगर 2024 और 25 में देखें तो 78,000 करोड़ के आसपास का सड़क निर्माण का काम हुआ है। रेलवे के बारे में एक विद्वत हमारे वक्ता कह रहे थे कांग्रेस के कि कोई काम ही नहीं हुआ। अरे काम नहीं हुआ तो ये 2,55,393 करोड़ का बजट कहां से आया? आप कहते हैं काम नहीं हुआ रेलवे में, और रेलवे में अगर आप देखो तो 2013-14 में 28,174 करोड़ रुपए केवल खर्च किए थे कांग्रेस सरकार के समय। आज हम कई गुना ज्यादा काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में। आज हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो काम हुआ है। रोजगार सृजन का एक अमृत बाण जो है वो एक अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, और वो क्या है कि हमने एंजल टैक्स को हटाया है, स्टार्टअप को हम एक प्रोत्साहन देने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने 100 शहरों में निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक जो पार्कों का विकास करने की संकल्पना रखी है, और आज अगर देखें तो आज पूरे के पूरे भारतवर्ष में रेल एक जो जीवन रेखा थी उसके रूप में हमारे सामने आगे आई है। आज 40,000 सामान रेलवे की बोगियों को वंदे मातरम ट्रेन के अनुरूप बनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। वो बोलते हैं हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां का जिस देश का अच्छा होता है वहां 3.5% की ग्रोथ अपने आप में बढ़ जाती है। ये बड़ी बात है, और ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखो 157 हमारे हवाई अड्डे हो गए, हमने बंदरगाहों का पूरी तरीके से जीर्णोद्धार किया है, उनको नए बनाए हैं, हमने रेल मार्ग को दुरुस्त किया है, हमने सड़क मार्ग को दुरुस्त किया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ठीक करके अपनी इकोनॉमी को हमने बढ़ाने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि जो मध्यम वर्ग के रेल के भारतीयों के लिए जो वर्ग के लोग हैं उनकी रेल यात्रा सुगम हो, उनमें सुरक्षा हो, सुविधा बढ़ाई जाए, इसकी हमने चिंता की है। मानवर कभी कभी इसकी चिंता होती है कि अचानक चुनावों में अफवाहें उड़ी, अफवाहों में आरक्षण का विषय अफवाह उड़ा, उस चुनाव में संविधान परिवर्तन की अफवाहें उड़ी, उसके बाद विभिन्न प्रकार के बजट के चर्चाओं की अफवाहें उड़ी, और उसके बाद मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन मैं कह सकता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी इस बात की जांच जरूर कराएंगे कि अचानक ये एक हफ्ता को अगर आप देखो रेलवे की पटरी का उतरने के क्रम कैसे शुरू हुआ, कहीं कोई साजिश का अंग तो नहीं है ये? आज सरकार को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, आरोपों के आधार पर, षड्यंत्रों के आधार पर, झूठी मिथ्या वर्णन के आधार पर, और एन के एन प्रकरण किस प्रकार से सरकार कमजोर हो, ये जो एक क्रम चला है मैं समझता हूं भारत के लोकतंत्र के लिए ये दुखदाई है। आज
आज हम कह सकते हैं कि विभिन्न रूपों में हमने जहां किसानों के आमदनी को बढ़ाने के लिए काम किया है सरकार ने, वहीं पर वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए भी तमाम प्रकार की अभी योजनाएं लाए हैं। मनोवर सभी को 5-10 मिनट मिला है, 10 मिनट अभी आप पांच वक्ता को देख लीजिए, सबको 5 से ऊपर मिला है। आप बोले हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमने वेतन भोगी जो कर्मचारी थे उनके लिए भी जो मानक कटौती थी वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये की है, और तमाम प्रकार के जो अन्य प्रयोजन थे युवाओं को बढ़ाने के लिए उन पे भी हम आगे आए हैं। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा में बजटीय आवंटन को 14,600 करोड़ रुपए के लिए उसको आवंटित किया है, और बहुत सारी चीज़ों को हमने जहां किसानों को आमदनी बढ़ सके उसके उपाय किए हैं। ये बार बार कहते हैं कि आपने MSP में बढ़ोतरी नहीं करी, अगर आप तुलना देखें मानवर तो आप 2013-14 में धान का जो MSP था वो कांग्रेस की सरकार में था 1310 रुपए प्रति क्विंटल, आज अगर आप देखें तो भाजपा सरकार या NDA सरकार के समय ये धान का जो MSP है ये है 2300 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं का जो 13-14 में था 1350 रुपए प्रति क्विंटल वो आज है 2275 रुपए प्रति क्विंटल। मानवर आज शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुए हैं, और मैं कह सकता हूं कि पठन पाठन की प्रक्रिया भी आज तेजी के साथ उसमें सुधार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुए हैं। कोरोना के समय भी अगर आप देखें तो कोरोना के समय भी हमारी सरकार ने डिजिटल जो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया, ज्ञान गंगा को दूर दराज गाँवों तक में पहुंचाने में ऐतिहासिक सफलता पाई। उत्तर प्रदेश का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक तरफ कोरोना की मार थी, दूसरी तरफ हमारे शिक्षा जगत के जुड़े हुए लोग ने एजुकेशन सिस्टम को में परिवर्तन किया, और परिवर्तन के साथ उन्होंने डिजिटल रूप में जो पठन पाठन की प्रक्रिया थी शुरू किया, और जो टीचर्स के लेक्चर्स थे उनको डिजिटली अपलोड कराया, 78,000 टीचर्स के जो लेक्चर्स थे वो अपलोड हुए, और 78,000 जो लेक्चर्स थे वो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फ्री ऑफ कास्ट लोगों को पठन पाठन के लिए उपलब्ध हुए। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने आके उस डिजिटल लाइब्रेरी की तारीफ की जो कोरोना के समय भाजपा सरकार में जिस प्रकार से बनाया गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो सरकार की प्राथमिकता रही वो रही कि गुणवत्तापरक शिक्षा हो, सुखी मन शिक्षक हो, नकल विहीन परीक्षा हो, और तनाव मुक्त विद्यार्थी हो। विद्यार्थियों को जो आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से अभी एकदम से जो शिक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ा है, 13-14 में 65,867 करोड़ का बजट था, आज 2024-25 में 1,20,627 करोड़ का बजट है, यानी निश्चित रूप में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आज 319 नए मेडिकल कॉलेज, 15 एम्स हैं, और 2015 में ये केवल 11 से थे, आज ये 46 हो गए हैं, इनमें उल्लेखनीय वृद्धि भी है। मानवर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज शैक्षिक सुधारों का युग है, आज आर्थिक सुधारों का युग है, आज के समय युवाओं के रोजगार सृजन का युग है, आज के समय हम एक उस पीढ़ी को देख रहे हैं कि जो 2047 में एक विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको हम हकीकत में कैसे बदलें। ये बजट युवाओं के सपनों को पंख उड़ाने लगाने वाला बजट है, ये बजट 2047 का जो विजन है विकसित भारत का उसको हकीकत में बदलने वाला बजट है, एक संतुलित बजट है, ये हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग को जो हमारी घाटे की वित्त योजना है उसको कम करने वाला एक हमारा पूंजीगत व्ययों को एक नियंत्रित करने वाला ये बजट है, और निश्चित रूप से इस बजट का जो प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले काफ़ी समय में हमारी प्रति व्यक्ति आय में समृद्धि करेगा, रोजगारों में वृद्धि करेगा, और हमारा उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन के साथ साथ मैं आखिर में केवल इतना ही कहता हूँ मान्यवर, ये भारत में जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए इस देश में उपभोक्ता ज़्यादा हैं, यानी हम अगर उत्पादन करते हैं तो पूर्ति भी हमारे पास में उसके साधन उपलब्ध हैं,
इसलिए ये बदली हुई सरकार में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और फिर से मैं कहूंगा कि हमारे मैंने उनको काकाश्री कहा है, ये संसदीय शब्द नहीं, आदरणीय खड़गे जी को उन्होंने माता स्वरूप में देखा था, लेकिन एक दिन खड़गे जी ने कहा था कि मैं जो कुछ हूँ वो आदरणीय सोनिया दादी माँ के कारण हूँ, आदरणीय राहुल चाचा जी के कारण हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो सानिध्य की प्राप्ति है वो यहाँ पर मैं देख नहीं पाया, लेकिन बजट की प्रशंसा उन्होंने की, इसलिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर शर्मा जी।